Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the happiest human, one of the top and verified educator in UPSC-CSE category. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आर एस शर्मा की जो बुक है एंशंट हिस्ट्री के लिए, उसे पढ़ने की राइट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वो बुक आपको कंप्लीट करनी चाहिए और क्या उसकी सेलेक्टिव स्टडी करनी है या वो पूरी कलेक्टिवली एज अ होल पूरी बुक को पढ़ना है। बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये होता है स्टूडेंट्स का कि इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, बेसिकली क्या ये पूरी की पूरी बुक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है या हम इस बुक के कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ जो पेजेस हैं, उसको पढ़ करके काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ जो है वो बस्टिंग वाला वीडियो है आपके लिए, बिकॉज ये जो मिथ है कि हम उसकी सेलेक्टिव स्टडी कर लें, ये बहुत गलत सोच है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस कि आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। इस बुक के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट कंटेंट दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में है, ऑप्शनल की डेप्थ में जा रहा है, ऐसा लगता है। ये बात मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी गाइस कि आजकल जो UPSC का पैटर्न इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी आने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें रिस्क लेना चाहिए इस चीज़ का रिस्क, बेसिकली कि हम सेलेक्टिव स्टडी करें। तो ये जो पूरी बुक है, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर है। ये बिल्कुल एक ऐसी बुक है जिसमें कि आपको फील हो सकता है कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ें, एग्जैक्टली क्या करें, ऐसी बहुत सी बातें आपके मन में आ सकती हैं और इस चीज़ को मैं बिल्कुल मान सकती हूँ। लेकिन आपको ये एक बिलीव रखना पड़ेगा कि ये पूरी बुक एज अ होल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप इसकी सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको इसको पूरा पढ़ना है कवर टू कवर और ब्लाइंडली पढ़ना है। कवर टू कवर का मतलब ये हो गया गाइस कि लाइन टू लाइन आप इसको पढ़िए, हर एक चैप्टर को आप इसको पढ़िए, और शुरू में हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टी लगे। तो इसके लिए ही मैंने जो है नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें हम आर एस शर्मा को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो आप उस चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नए प्लेलिस्ट के साथ जिसमें आर एस शर्मा की बुक को हम लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं, जिसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छे स्टाइल से एक स्टोरी टेलिंग वे में एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेगी। तो ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, इसके सभी वीडियोस आपको देखने हैं और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए Rank10 का रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, इसे भूलिएगा मत। Rank10 रेफरल कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती थी कि आई एम रियली ग्लैड टू अनाउंस दिस दैट आई हैव गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनअकैडमी टीम एज बीइंग अ एजुकेटर इन चीफ विद अ न्यू चैनल। तो ये जो एजुकेटर इन चीफ की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसके अंतर्गत एक नए चैनल के अंदर हम एक नए इनिशिएटिव से सभी UPSC रिलेटेड कंटेंट में जो NCERT का इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है उसको कवर करने वाले हैं, और NCERT के बहुत अच्छे लेसन्स, बहुत ही क्वालिटी लेसन्स आपको उसमें मिलेंगे। तो आपको उस चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट अबाउट दी अपकमिंग चैनल एंड अपकमिंग प्लान्स जो कि हम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।